हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर 9 ऑफ क्लास 8। सो चैप्टर 9 वाज अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो रिप्रोडक्शन के अंदर हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अलावा हमने ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टडी कर लिए थे, उसके अंदर हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो टुडे वी हैव द टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो क्या होता है, जो बेबी जो है जब पूरा डेवलप नहीं होता तो स्टार्टिंग वाली जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। सो लेट्स सी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगन्स टू डेवलप इन टू ए एम्ब्रियो। सो हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जब एक मेल सेल होती है और एक फीमेल सेल होती है, यानी कि जो है फीमेल से जो है एग्स है और मेल से जो स्पर्म्स है वो आपस में जो है फर्टिलाइज करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट क्या करता है, आगे जाके डेवलप होना शुरू होता है। और उसकी फर्स्ट स्टेज क्या होती है, एम्ब्रियो स्टेज होती है। एम्ब्रियो के फॉर्म में वो डेवलप होना शुरू होता है जाइगोट। जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। अब जाइगोट क्या करता है, फटाफट जो है रैपिडली जो है क्या करता है, डिवाइड होना शुरू कर देता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करके डिवाइड होना शुरू कर देता है और एक जो है सेल का बॉल जैसा स्ट्रक्चर है वो बना लेता है। द सेल देन बिगन्स टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप्स इन टू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद सेल क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होना शुरू करते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाकर डेवलप होना शुरू करते हैं, जिससे क्या बनते हैं, अलग अलग टिश्यूज बनते हैं और उसके बाद ऑर्गन्स बनते हैं बॉडी के। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। और यही जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, जो जाइगोट है आगे डेवलप हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोला जाता है। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और ये एम्ब्रियो कहाँ रहता है, ये एम्ब्रियो रहता है यूट्रस के अंदर। एक जो है वॉल बनी होती है पूरी टिश्यूज़ की, ब्लड टिश्यूज़ की यूट्रस के अंदर वॉल बनी होती है, और इसी वॉल के अंदर क्या होता है, ये धंसा रहता है, एम्बेडेड रहता है एम्ब्रियो, धंसा हुआ रहता है ताकि वो सेफ रहे उस वॉल के अंदर, क्योंकि वो सॉफ्ट ब्लड टिश्यूज़ की वॉल होती है और एम्ब्रियो उसके अंदर एकदम सेफ रहता है यूट्रस के अंदर। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज़ टू डेवलप इन यूट्रस। और यहीं पे यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो क्या करता है, आगे डेवलपमेंट अपना कंटिन्यू रखता है। इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स एट्सेट्रा। और यहीं पे है धीरे धीरे करके उसके जो है आगे बॉडी पार्ट्स को डेवलप करना शुरू करते हैं, जैसे कि हैंड्स बनेंगे, लेग्स बनेंगे, हेड बनेगा, आइज बनेगी, ईयर बनेगी। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस। और एम्ब्रियो की नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, फीटस, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर तो सिर्फ बनना शुरू होता है, डेवलप होना शुरू हो रहा होता है, आगे जाके जब उसके अलग अलग बॉडी पार्ट है आप उसको पहचान पाओ, उसके बॉडी पार्ट अगर पहचान पा रहे हो, तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे, फीटस स्टेज बोलेंगे। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. और जब fetus का पूरा development हो जाता है, पूरा mind का development हो जाता है, क्योंकि जो है body तो बन जाने में 5 months लगते हैं, किसी भी fetus को develop हो जाने में 5 months लग जाते हैं, उसके बाद बाकी के जो 4 months हैं वो उसके जो है internal body part और mind का development है वो होने में लगते हैं, उसके बाद outer body parts तो जो है 5 months में develop हो जाते हैं, बन जाते हैं। और जैसे ही पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट होता है फीटस का, मदर क्या करती है, बेबी को जो है बर्थ देती है, जन्म देती है। नाउ वी हैव अ पिक्चर ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, कि जाइगोट का फॉर्मेशन कैसा होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है। सबसे पहले है जो क्या होता है, यहाँ से है ये ओवरीज है, ओवरीज के अंदर ओवम जो है यानी कि फीमेल एग सेल है वो क्या करती है, बनती है। ओवरीज से बनने के बाद वो क्या करती है, फेलोपियन ट्यूब्स में जाती है, ठीक है। और यहाँ से जो है यूट्रस के रास्ते से जो है स्पर्म है वो फेलोपियन ट्यूब्स में आता है, फेलोपियन ट्यूब्स में जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ओवम और स्पर्म्स का। यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जो है जाइगोट जनरेट होता है, जाइगोट जनरेट होने के बाद कहाँ जाएगा, जाइगोट धीरे धीरे जो है एक बॉल का बना लेगा सेल्स का, और वो कहाँ पहुँचता जाएगा, ये बॉल धीरे धीरे पहुँच के कहाँ पहुँच जाएगा, यूट्रस में पहुँच जाएगा, ठीक है। यूट्रस में ये जो वॉल होती है ये बनी होती है, मसल्स जो है टिश्यूज़ जो होते हैं, ब्लड टिश्यूज़ होते हैं वो यहाँ पर पूरे जमा रहते हैं इस यूट्रस में, यहीं पर है वो जो है एम्ब्रियो है, यहाँ पर धंसा रहता है इस वॉल के अंदर और यहीं पर वो डेवलप करता रहता है। एज़ यू कैन सी यहाँ पे है यूट्रस की वॉल है, अभी जो यूट्रस की वॉल है पूरी जो है ब्लड टिश्यूज़ की बनी होती है, यहाँ पे एकदम एम्बेडेड रहता है यूट्रस वॉल के अंदर, ये एम्ब्रियो है यहाँ पे डेवलप करता रहता है, धीरे धीरे डेवलप करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है।
सो पिक्चर ए है वो है जायगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। सेकंड जो पिक्चर है यहाँ पे जो बॉल बन रहा था सेल का वो है एनलार्ज्ड, बड़ा करके दिखाया है। नेक्स्ट है एम्बेडिंग द ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्रस एनलार्ज। एनलार्ज करके हमको जो है एम्बेडेड होता है यूट्रस में कैसे जो लगा रहता है यूट्रस की वॉल से टच रहता है जो हमारा एम्ब्रियो था वो कैसे रहता है वहाँ पे, ये हमको पिक्चर में शो किया हुआ है। नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हेंस ऑल्सो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिर्फ ह्यूमन्स में नहीं होता है, हेंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउज। लेकिन क्या हैन बेबीज को बर्थ देती है जैसे कि हमारी ह्यूमन बींग्स और काउज में होता है? एब्सोल्युटली नो, यू नो दैट दे डू नॉट। देन हाउ आर चिक्स बॉर्न? लेकिन चिक्स फिर चिक कैसे बॉर्न होते हैं जब उसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तब उसके अंदर चिक्स कैसे बॉर्न होते हैं? लेट अस फाइंड आउट। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है फीटस इन द यूट्रस। यूट्रस ये वाला जो है ये यूट्रस है और यूट्रस के अंदर जो फीटस है बेबी है वो डेवलप होता रहता है। जैसे ही पूरा डेवलपमेंट होता है तब क्या करता है बेबी को बर्थ मिलता है। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट डिवाइड्स रेपिडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही क्या करता है जो जायगोट है वो डिवाइड होना शुरू करता है, एक से दो बन जाएंगे, दो से चार बन जाएंगे, ऐसे करके पूरा डिवाइड होना शुरू कर देगा और ओविडक्ट की तरफ वो मूव करता है। ओविडक्ट जो है फिलोपियन ट्यूब जो बोलते हैं, जो ओवरीज और यूट्रस को कनेक्ट करने वाला जो चैम्बर होता है उसको ओविडक्ट बोला जाता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। जैसे ये ओविडक्ट से होते हुए ट्रैवल करता है इसके आसपास चारों तरफ बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्शन वाली लेयर्स हैं वो जमा हो जाती हैं। द हार्ड शेल दैट यू सी इन हेंस एग इज़ वन ऑफ सच प्रोटेक्टिव लेयर। और जो शेल आप देखते हो वाइट वाली शेल जो लगी होती है एग के हैन के एग के बाहर, वही जो लेयर है ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर में से एक है। After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. जैसे ये hard वाली shell है ये उस embryo के आसपास develop हो जाती है, वैसे क्या करती है hen क्या करती है वो अंडा देती है, बाहर उसका अंडा आ जाता है। The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. और उस egg के अंदर ही जो है 3 weeks लगते हैं उस chick को develop होने के लिए। वो embryo किस में convert हो जाता है? Chick में convert हो जाता है, 3 weeks उसको लगते हैं। You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. आपने देखा होगा कि हैन क्या करते हैं अपने अंडे के ऊपर बैठे रहते हैं ताकि वो उसको वार्म दे सके उसको गर्मी दे सके और उससे जिससे कि वो उसको प्रॉपर है उसको न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड हो सके 3 वीक के अंदर, फिर वो जो है चीक बाहर आ सके। Did you know that development of the cheek take place inside the eggshell during this period? और इसी पीरियड के टाइम पे जब जो हैन है उसके ऊपर बैठी रहती है उसको वार्म देने के लिए, तभी क्या होता है उस चीक का डेवलपमेंट होता है उस एग के अंदर, उस एग शेल के अंदर। आफ्टर द चीक इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन द एग शेल। और जैसे ही पूरा डेवलपमेंट चीक का हो जाता है, चीक क्या करता है उस एग शेल को तोड़कर बाहर आ जाता है, अंडा तोड़कर बाहर आ जाता है। In animals which undergo external fertilization, development of the embryo take place outside the female body. और ऐसे animals जहाँ पे external fertilization होता है, for example जो aquatic animals थे mostly में क्या हो रहा था, external fertilization हो रहा था, उनके अंदर क्या होता है जो embryo का development होता है वो कहाँ होता है, उसकी female की body के बाहर ही होता है, क्योंकि fertilization ही external है तो female की body के बाहर ही होगा development भी। The embryo continue to grow within their egg covering. अपने egg covering के अंदर ही embryo का करते develop होना continue रखते हैं। After the embryos develop the egg hatch. जैसे ही embryo का पूरा development हो जाता है egg क्या होते हैं hatch जाते हैं, egg में से जो भी organism है वो बाहर आ जाता है। You must have seen numerous tadpoles swimming in the ponds and stream. आपने बहुत सारे tadpoles थे छोटे छोटे मेंढक के बच्चे आपने देखे होंगे swim करते हुए जो कि ponds में या streams में flow करते रहते हैं। नेक्स्ट वी हैव विविपरस एंड ओविपरस एनिमल्स। विविपरस एंड ओविपरस एनिमल्स क्या होते हैं, लेट्स सी। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस व्हाइल सम एनिमल्स ले एग्स व्हिच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस। हमने ये हमको पता है कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं सीधा बेबी को बर्थ देते हैं, जबकि कुछ क्या करते हैं अंडे देते हैं एग ले करते हैं। The animals which give birth to young ones are called viviparous animals. जो animals अपने baby को birth देते हैं, जिनके से baby पैदा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, viviparous animals बोलते हैं। For example, cow, dog, cat, ये सब क्या करते हैं अपने baby को birth के जरिए दुनिया में लाते हैं, तो ये animal कौन से हो गए, viviparous animals हो गए। Those animals which lay eggs are called oviparous animals. लेकिन जो animals अंडे देते हैं, eggs देते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, oviparous animals बोलते हैं।
द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन वीवीप्रस एंड ओवीप्रस एनिमल्स. वी हैव सम पॉइंट्स जिससे कि हमको पता चलेगा कि वीवीप्रस ओवीप्रस में क्या क्या डिफरेंस है और उनको हम और क्लियरली समझ पाएंगे. तो वीवीप्रस के एग्जाम्पल हो गए डॉग एंड कैट एंड ह्यूमन, और ओवीप्रस के एग्जाम्पल हो गए हैन फिश एंड फ्रॉग्स. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी 9.2. Try to observe egg of the following organisms: frog, lizard, butterfly or moth, hen and crow or any other bird. जो है आपको अंडे देते हैं जो भी animals या फिर birds, उनके बारे में जो है उनको observe करना है. Frog अंडे देता है, lizard अंडे देती है, butterfly अंडे देती है, hen है उसके भी अंडे होते हैं, crow है वो भी अंडे देता है, और बाकी जो कई birds हैं वो भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं. Were you able to observe eggs of all of them? क्या इनके सबके अंडे देखे हैं आपने? मोस्टली के देखे होते हैं. मेक ड्राइंग ऑफ द एग दैट यू हैव ऑब्जर्व, जो भी एग आपने ऑब्जर्व किया उनकी ड्राइंग बनानी है. दिस इज फॉर द एक्टिविटी ओनली. द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज. कुछ एग्स हैं, कुछ एनिमल्स के एग्स हैं, उनको ऑब्जर्व करना, उनको देखना बहुत ही ईजी होता है क्योंकि उनकी मदर्स हैं उन अंडों को अपनी बॉडी से बाहर जो है ले करती हैं, देती हैं. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओवीप्रस एनिमल्स. ये कौन से एग्जाम्पल हो गए ओवीप्रस एनिमल्स के, जिनकी मदर्स अंडे देती है या फिर अपने बॉडी के बाहर जो है एग ले करती हैं, उन वो एनिमल्स किस में आ गए? ओवीप्रस एनिमल में आ गए. बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, काउ और कैट. लेकिन आप किसी भी डॉग, काउ, कैट के एग कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो अंडे अपनी बॉडी से बाहर देते ही नहीं है. उनकी बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उनकी बॉडी के अंदर ही एग रहता है. दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, क्योंकि वो अंडे नहीं देते. द मदर गिव बर्थ टू द यंग वंस. उनके अंडे ना देकर वो क्या करते हैं, उन मदर जो है क्या करती है, अपने बच्चे को, बेबी को बर्थ देती है, जन्म देती है. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वीवीप्रस एनिमल्स. यही क्या है, एग्जाम्पल है वीवीप्रस एनिमल्स के. तो वीवीप्रस जो बेबीज को बर्थ देते हैं और ओवीप्रस जो एग ले करते हैं. दोनों में डिफरेंस समझ में आया. नाउ वी हैव यंग वंस टू अडल्ट्स. द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हैच फ्रॉम द एग्स कंटिन्यूज टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट्स. जो भी अंडे से निकला है, जो बेबी बॉर्न हुआ है, वो क्या करेंगे, एक दिन तो ग्रो करेंगे और क्या बन जाएंगे, एक दिन वो अडल्ट बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे. इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स. कई बार क्या होता है, कुछ एनिमल्स के अंदर जो यंग उनका वर्जन होता है, यंग वर्जन होता है, जो बेबी वर्जन होता है, वो उनके अडल्ट वर्जन से एकदम ही अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग. फ्रॉग जब अडल्ट फ्रॉग को देखो और उसको टेडपोल को देखो तो दोनों में डिफरेंस होगा. टेडपोल कुछ कुछ फिश जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, जबकि फ्रॉग्स वगैरह है उनकी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होती है. तो यंग वंस एकदम अलग दिखते हैं और अडल्ट एकदम अलग दिखते हैं. रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ. एक और एग्जाम्पल आ गया सिल्क मॉथ का. सिल्क मॉथ के साइकिल को देखिए यहाँ. एग से लार्वा निकलता है, लार्वा या जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, उसके बाद वो प्यूपा स्टेज में जाता है, उसके बाद वो अडल्ट मॉथ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. लार्वा और उसके अडल्ट जो है सिल्क मॉथ, उनके अंदर कितना डिफरेंस होता है, कितने अलग अलग दिखते हैं वो. यू स्टडीड इन क्लास 7. फ्रॉग इज़ अनदर सच एग्जाम्पल. तो सर क्लास 7 में हमने जो है लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वॉर्म पढ़ी थी, उसके अंदर हमको देखा था कि लार्वा है वो कैसा दिखता है, यूं दिखता है, और जबकि सिल्क मॉथ है वो पूरा एक बटरफ्लाई के शेप में दिखता है. दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है लुकिंग वाइज भी और उनके वर्किंग वाइज भी. तो फ्रॉग भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है कि उनका यंग वन अलग दिखता है और इसका अडल्ट जो है एनिमल अलग दिखता है. ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम एग टू द अडल्ट स्टेज. अब अगर अलग अलग स्टेजेस की अगर हम बात करें किसी भी फ्रॉग की, तो उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं. वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस. तो हमको पता चलेगा यहाँ इसकी 3 मेन अलग अलग स्टेज होती हैं, एग, टेडपोल या लार्वा एंड अडल्ट. सो सबसे पहले एग फॉर्मेट में होता है, उसके बाद टेडपोल या फिर लार्वा फॉर्मेट में होता है, उसके बाद वो जाके अडल्ट बनता है. डोंट द टेडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स. क्या उसके जो फ्रॉग के जो अडल्ट वर्जन है उसमें टेडपोल बहुत डिफरेंट नहीं दिखता है? ऑब्वियसली दिखता है. कैन यू इमेजिन दैट दीज टेडपोल्स वुड समडे बिकम फ्रॉग्स. उन टेडपोल्स को देख के लगता ही नहीं कि एक दिन जाके ये फ्रॉग में कन्वर्ट होने वाले, फ्रॉग बनने वाले. सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्क वॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट मॉथ. सेम टू से अगर हम बात करें कैटरपिलर है या फिर सिल्क वॉर्म का उसका प्यूपा वर्जन है, वो उसके अडल्ट मॉथ के वर्जन से एकदम ही डिफरेंट दिखता है. The features that are present in the adult are not found in these young ones. जो adult के अंदर features होते हैं, जो characteristics होते हैं, वो उनके जो young version है उसमें बिल्कुल नहीं मिलते हैं, बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं. Then what happened to the tadpoles or caterpillars thereafter? तो caterpillars और tadpoles के साथ ऐसा क्या होता है कि उनका adult version एकदम change हो जाता है, एकदम अलग दिखता है.
यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटिफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून. आप देखा होगा कोकून से एक सुंदर सा जो है ब्यूटिफुल सा मॉथ है वो बाहर निकलता है. यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है, हम देख लेते हैं. तो लाइफ साइकिल फ्रॉग तीन मेन स्टेजेस होती हैं. सबसे पहले एग्स होती हैं. एग्स में से क्या निकलता है, टेडपोल निकलता है. टेडपोल कुछ कुछ फिश जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है. वो टेडपोल क्या करते हैं, आगे थोड़ा बड़े होते हैं तो थोड़ी सी उनकी स्ट्रक्चर अलग होने लगती है और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं. देखो टेडपोल तो कैसा दिख रहा है और फ्रॉग कैसा दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस है लुकिंग वाइज. इसकी तो फिश जैसी स्ट्रक्चर भी पीछे, जबकि इसकी कोई भी जो है फिन वगैरह टेल वगैरह है ही नहीं. सो ये है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ठीक है. यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटिफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ कोकून. कोकून को कोकून से आपने एक सुंदर सा मॉथ है वो निकलते देखा होगा. इन द केस ऑफ टेडपोल्स दे ट्रांसफॉर्म इंटू अडल्ट केपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग. तो टेडपोल्स में क्या होता है, टेडपोल्स इजिली स्विम कर पाते जबकि जो फ्रॉग्स हैं वो स्विम भी कर पाते और जंप भी कर पाते हैं. तो वो ट्रांसफॉर्म होते हैं अडल्ट में, जो कि टेडपोल्स सिर्फ स्विम कर पा रहे थे जबकि फ्रॉग है वो जंप भी कर पा रहे हैं और स्विमिंग भी कर पा रहे हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इंटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म. और ये जो चेंज होता है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है पूरा लार्वा स्टेज से अडल्ट स्टेज के बीच में पूरा एक जो ड्रास्टिक सा चेंज होता है एकदम, इसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, या सॉरी मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, एकदम जो है यंग बेबी का अडल्ट के अंदर एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस या फिर कायापलट. मेटामॉर्फोसिस का हिंदी मीनिंग होता है कायापलट. What about the changes that we observe in our body as we grow? Even humans की body के अंदर ही बहुत सारे changes होते हैं जो कि हम जब हम grow कर रहे होते हैं. Do you think we too undergo metamorphosis? क्या आपको लगता है कि हम भी metamorphosis से गुजरते हैं? Obviously हम गुजरते हैं metamorphosis से. In human beings, body parts similar to those present in the adults are present from the time to birth. लेकिन हमारे में difference क्या होता है कि humans के अंदर जो body parts होते हैं वो birth के time पे ही develop होते हैं, बाद में develop नहीं होते हैं. जब हमारा birth होता है तभी हमारे अंदर जो है पूरे body parts होते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हमारे body parts activated हो जाते हैं, adult बन जाते हैं, ठीक है. सो अडल्ट वर्जन और यंग वर्जन ह्यूमन में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हमारे बॉडी के अंदर ही होते हैं, जबकि जो लार्वा या फ्रॉग है उनके अंदर बाद में जो है जनरेट होते हैं, बाद में वो ट्रांसफॉर्म होते हैं. सो यहाँ तक हमारा जो है एक पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट पार्ट में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू.